It's a special day for us at NDTV. We've launched the 10th season of Banega Swasth India in Mumbai with our campaign ambassador, Ayushman Khurrana. And on this occasion, we are being joined by various chief ministers and various leaders from across the country. And joining me now, the chief minister of Jharkhand, Mr. Hemant Soren. Thank you so much, sir, for joining us on the launch of the 10th season of Banega Swasth India. First up, sir, what really are your thoughts on the link between cleanliness and good health, something that the Prime Minister has also talked about time and again? And what are the initiatives that you've taken in your state to address this particular issue? Aaj 2 October ka din hai. Aur aaj ke din mein hamare Bapu ji ka bhi janam divas hai. Aur jahan tak स्वच्छता को लेकर और मोहल्ला क्लिनिक को लेकर आपका सवाल है, मैं समझता हूँ कि ये जरूर एक कड़ी हो सकता है और ये अच्छी व्यवस्था है. और चूंकि झारखंड तो एक कोई मेट्रो नहीं है, कोई महानगर नहीं है, ये एक ऐसा राज्य है जहाँ जंगल, पहाड़, नदी नालों से घिरा पड़ा है. और हमारा ये प्रयास है कि स्वास्थ्य सेवा को लेकर हम कैसे बेहतर करें, इसके लिए हम लोगों ने कहा जाए कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक तो नहीं बल्कि उसके समरूप कुछ कुछ चीज़ों को जोड़ने घटाने का प्रयास किया है. अब जैसे लोगों को अपने घरों के आसपास दवाइयाँ कैसे मिले, उसकी व्यवस्था हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है. हमारा चूंकि जंगल पठार इलाके हैं, यहाँ पर आपको जैसे दिल्ली वगैरह में डेंगू और तरह तरह की बीमारियों से लोग ग्रसित होते हैं, हमारे राज्य में जैसे सांप काटने से लोग अधिक मरते हैं और कई ऐसे जहरीले कीटाणु के कीड़ों के द्वारा काटे जाने से लोग मर जाते हैं. तो ये सारी दवाइयाँ चूंकि बहुत प्रिस्क्राइब दवाइयाँ होती हैं और जब तक प्रिस्क्रिप्शन ना हो तो दवाई भी आपको नहीं मिलेगी, वो कैसे उपलब्ध हो, क्योंकि ये सांप काटने के बाद जो समय का अंतराल है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है. तो ये सारी दवाइयाँ भी कैसे हम गांव के स्तर पर उपलब्ध करा पाएं, इसकी भी हम एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं. Absolutely, sir. But what do you really think of, government policies that are aimed at promoting cleanliness initiatives? For example, the way the Prime Minister also launched the Swachh Bharat Mission several years ago to tackle the issue of open defecation and also address sanitation and health, something that's really not talked about much. ये एक योजना है, शौचालय बनाना. और मुझे लगता है स्वच्छता को लेकर अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो योजना के माध्यम से नहीं बढ़ा जा सकता है, जब तक लोगों का एक्सेप्टेंस इस विषय पर ना हो. और सिर्फ शौचालय बना ही देना अंतिम कड़ी नहीं हो सकता, क्योंकि शौचालय बनने के बाद शौचालय को भी स्वच्छ रखना सबसे बड़ा चुनौती होता है. तो आज जो एक योजना के माध्यम से शौचालय बनाने का कार्यक्रम चल रहा है, मुझे लगता है ये इससे ज़्यादा ज़रूरत, बड़ी ज़रूरत का विषय ये है कि लोगों में जागरूकता और लोगों के अंदर स्वच्छता को लेकर एक ऐसा विषय जो हर व्यक्ति, हर वर्ग के लिए आवश्यक है, इसको समझा पाना. आज हम देखें स्वच्छता को लेकर, अगर हम ग्रामीण क्षेत्र को देखें, शहरी क्षेत्र को देखें, तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि आज के दिन में भी हमारा ग्रामीण क्षेत्र स्वच्छता को लेकर शहरी क्षेत्र से बेहतर है. ये बात जरूर है कि वो प्राकृतिक व्यवस्थाओं के माध्यम से अपने जीवन यापन करते हैं. हाँ, लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरीके से शिक्षा का विस्तार हो रहा है, जिस तरीके से बच्चे अब शहरों में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसको लेकर अब उनको भी शौचालय की आवश्यकता गांव में होती है.
तो अब ये कहीं ना कहीं मुझे सिर्फ शौचालय किसी को योजना बना करके दे देना ही मैं बेहतर विकल्प नहीं समझता हूँ, बल्कि स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर जो बच्चे गांव से आते हैं उनके बीच में इन बातों को रखना और इसके विषय में इसको जागरूक करते हुए ही इसको आगे बढ़ाया जाए तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर होगा। Right, sir. My final question to you: what's your message on the launch of the 10th season of Banega Swasth India? You know, something that's been committed to the cause of cleanliness and health. आप लोगों को बहुत-बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब लोगों ने विगत 9-10 वर्षों से इस विषय पर काम किया है और बनेगा स्वच्छ इंडिया का जो मुहिम चलाया है और जरूर कहीं ना कहीं अगर 1% में भी उसमें कोई कड़ी जुड़ता है ये बहुत बड़ी बात है। मतलब ये कहा जा सकता है कि हम एक पॉजिटिव साइन की ओर जा रहे हैं और जो आप लोगों का एक लोगो है जो हाथ साफ करने का जो आपका ये दिखता है उसमें और आज कहीं ना कहीं परिवार के अंदर में भी बच्चों को लगातार इस बात के लिए ध्यान दिलाया जाता है कि खाना खाना है तो आपको हाथ साफ करके खाना है और इस तरीके से स्वच्छ रखना है तो ये स्वभाव में के अंदर जब तक ये स्थापित नहीं होगा इसमें जरूर आप लोगों की भूमिका बहुत सराहनीय रही है कि मुझे तो लगता है कि इसमें लोग आगे बढ़ रहे हैं और आज नहीं कल इसमें क्रांति जरूर आएगी और मुझे लगता है कि इसे स्वच्छता का ना कोई जात है ना कोई धर्म है ना कोई मजहब है ये सब के लिए जरूरी है। Mr. Hemant Soren, thanks so much for joining us on a very special day today, the 10th season of Banega Swasth India, a campaign which has been committed to the cause of health and cleanliness, the longest running campaign on Indian television.